Hello students, I am Professor Nita Fulchand the Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, in today's session we are going to learn class 7 science textbook series lesson number 9 heat. So aaj ke is lesson mein hum padhne wale hain aapka 9th 7th class ka jo 9th lesson hai that is heat. Heat yani ushma. So chaliyega ye session puri tarah se ek hi session mein pura chapter cover kar lenge because this is not a very lengthy session or lengthy chapter. And yes, of course, do like, share, subscribe our channel. And thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Let's start. So students, over here on the screen, you can see that the first यहाँ पे क्या दिया है, that is observe and discuss. यानी कि observe करो और discuss करो, देखो और चर्चा करो. What are the causes of what you see happening in the pictures below, right in the boxes? यानी कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ, वो आपको चेक करना है और बॉक्सेस में लिखना है. That is the first thing. आपको दिख रहा है कि गैस के ऊपर यहाँ पे दूध उबाल रहा है, right? The cooker is over here. लेकिन ये क्या है, गैस से क्या मिलती है, इसको हीट मिलती है तभी खाना पकता है. नंबर टू, यहाँ पे इसको फीवर आया है. फीवर आना यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो भी एक प्रकार की हीट होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज कि ये जो बर्फ है ग्लास में, ठीक है. सो बाहर अगर आप उसको रख देते हो तो ऊपर की तरफ से पानी के बुलबुले आपको दिखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट ओनली विच इज इन द एयर. उसके बाद ठंड के मौसम में यहाँ से आग सेक रहे हैं लोग, दिख रहे हैं आपको. द बफेलो इज इन द रिवर, दैट ये गर्मी के मौसम में पानी में बैठ जाते हैं. सो दिस इज द लेसन इज अबाउट द हीट ओनली. सो लेट्स डू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज ट्राई दिस. चलो अभी ये एक प्रकार का पहला हम प्रयोग कर लेते हैं. वट यहाँ पे क्या बताया है, दैट इज रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम ऑन योर चीक्स, व्हाट डू यू फील. की पाम यानी आपकी जो हथेली है उसको क्या करना है, आपको दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर घिसना है और उसके बाद अपने चीक्स गालों के ऊपर रखना है. तो आपको क्या फील होगा, दैट इज आपको ऐसा गरम गरम फील होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट ओनली. We come to know some properties of heat energy from the examples in the pictures and the above activity. So देखो बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि एनर्जी यानी कि पावर जो है जो हमारे बॉडी के अंदर है या फिर बाहर जो आपको दिखती है, दैट इज कि हर जगह एनर्जी आपको दिखने ही वाली है. क्लास सिक्स में आपने ये पढ़ा होगा. सो द सन्स हीट हैज मेनी इफेक्ट ऑन यूजेस, यानी कि सूरज की गर्मी से भी बहुत सारे फायदे होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है. हाउ डज द सोलर हीट रीच द अर्थ, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हीट है ये पृथ्वी पर कैसे आती है. वाई डज द हीट इन द वॉटर हीटर टू बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज वंस इट इज टेकन ऑफ द फ्लेम, यानी कि देखिए उबाल आने तक गर्म किए गए पानी की ऊष्मा धीरे धीरे क्यों कम होती है. देन नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दैट इज वेयर डज दिस हीट गो, कि यह ऊष्मा कहाँ जाती है, यह हीट कहाँ चली जाती है. द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, यानी गिलास की बर्फ के कारण आसपास की हवा की वाष्प ठंडी होकर गिलास के बाहर एक जमा हो जाती है. अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि देखिए इस पदार्थ के तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है एंड उसको कहते हैं थर्मोमीटर. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हीट, कि ऊष्मा के द्वारा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में आपने छठी क्लास में क्लास सिक्स में इसके बारे में पढ़ा है. सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताया है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट की हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कि ऊष्मा का संचरण ऐसे इसको हिंदी में कहेंगे हम. सो कैन यू टेल द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, दैट इज व्हाई डज द हलवाई रैप अप क्लोथ अराउंड द एंड ऑफ हिज स्लॉटर्ड स्पून व्हाइल स्टिरिंग द बॉइलिंग मिल्क इन हिज लार्ज कढ़ाई, कि कढ़ाई में रबड़ी हिलाते समय हलवाई बड़ी कड़छी के सिरे को कपड़ा क्यों बांध कर रखता है. देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है पूछा है यहाँ पे, व्हाई डू वी होल्ड अ स्टील ग्लास इन अ हैंडकरचीफ व्हाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट, कि जब ग्लास, ठीक है, स्टील का ग्लास आपने लिया है तो उसके अंदर अगर गर्म दूध डाल दे तो क्या आप डायरेक्टली उसको उठा सकते हो, नहीं, आप क्या करोगे, कपड़े का इस्तेमाल करोगे. व्हाट आर अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसका आपको नोट बनाना है. व्हेन वी टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ कोल्ड वन द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्म एंड द हॉट वन बिकम्स कूलर, यानी कि यहाँ पे क्या बताया है, जब हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में कनेक्ट में लेके जाते हैं
तो ठंडी वस्तु जो है बच्चों वो गर्म होती है और गर्म वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है फ्रॉम दिस. इससे हमें क्या पता चलता है, दैट वी कैन इन्फर दैट हीट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऊष्मा प्रवाहित होने को, यानी कि यह स्पष्टीकरण यहाँ पे मिल जाता है कि हीट का जो संचरण है, हीट का जो ट्रांसफर है, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है. ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कहेंगे ऊष्मा का संचरण. इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट. सो यूज योर ब्रेन पावर. चलो अपनी दिमाग की बत्ती जलानी है. दैट इज व्हाई डू वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. कि हम ठंडी के मौसम में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, वूलन के कपड़े क्यों पहनते हैं. तो ये आपको आपका दिमाग चलाना है. कुछ बच्चे बोलते हैं टीचर जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसके आंसर्स भी आप हमें बताओ. सो दिस इज नॉट द गुड वे. टीचर का काम होता है कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया जो लेसन है वो पूरी तरह से समझाना. क्वेश्चंस आपको इसलिए पूछे जाते हैं कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट. अगर आप सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, ढूंढोगे नहीं, तो आपको फिर वो लेसन या फिर वो जो एक टॉपिक है वो समझ में कैसे आएगा. दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स ओनली एंड द अदर थिंग्स विच यू नीड टू आइडेंटिफाई और यू नीड टू स्टडी. जो आपको ढूंढना है, यू नीड टू फाउंड आउट. सो वो मैं आपको बताती नहीं हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में आपको मैं दे देती हूँ. सो चलिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कि अभी हीट ट्रांसफर के जो तीन प्रकार है, कंडक्शन का मतलब होता है वी कैन से ऊष्मा का संचलन, कन्वेक्शन का मतलब है संवहन, इसे कहते हैं, और रेडिएशन का मतलब है विकिरण. सो ये इंग्लिश में ही वर्ड्स अच्छे हैं. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच एंड एवरी वर्ड. सो लेट्स चेक द एक्सपेरिमेंट नंबर 9.2 विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट. यहाँ पे हम ऊष्मा का संचलन देखेंगे, ठीक है. सो क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा. एक ये ट्राइपॉड है, बर्नर है, स्पॉट्स ऑफ वैक्स है, पिंस है एंड मेटल स्ट्रिप्स है. लेट्स सी अपार्टस, यानी कि सामग्री क्या लेनी है. दैट इज बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील. स्टील के बार्स लेने हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. एल्यूमिनियम और कॉपर के भी बार्स, यानी कि पट्टियां लेनी है, ठीक है. एक स्टेनलेस स्टील की, एक एल्यूमिनियम की और एक कॉपर की. कॉपर यानी तांबा. और कैंडल, एक यहाँ पर आपके मोमबत्ती लेनी है, बर्नर लेना है एंड पिंस लेने हैं कुछ, ठीक है. सो प्रोसीजर क्या करनी है बच्चों, देखिए. टेक स्टेनलेस स्टील और आयरन, ठीक है, लोहो का या फिर स्टेनलेस स्टील का एक पट्टी लेना है. कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार, एक रहेगा कॉपर का और एक रहेगा एल्यूमिनियम का, ठीक है. सो ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग द सेम शेप. तो दोनों भी 30 मीटर की लंबाई और एक समान शेप में रहेंगे. अप्लाई वैक्स स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ अदर ऑन ऑल द 3 बार्स. देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं ना, तो ये क्या किया है, मोमबत्ती ली है और मोमबत्ती के मदद से मोमबत्ती को जला के यहाँ पे क्या किया है, उसके डब्बे यहाँ पे, बूंदे यहाँ पर डाली है. स्टिक अ पिन इन ईच ऑफ द स्पॉट सो दैट इट इज अपराइट. सो और इसमें हमें क्या करना है, एक एक पिन यहाँ पर ऐसे इसमें आपको इन करना है. नाउ इंसर्ट द एंड्स ऑफ ऑल 3 बार्स इनटू फ्लेम एट द सेम टाइम. और तीनों का जो यहाँ का पॉइंट है, ठीक है, तीनों की जो एक नोक है वो कहाँ पे रखनी है, बर्नर के ऊपर रखनी है और बर्नर स्टार्ट कर देना है और ऑब्जर्व फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए आपको देखना है, निरीक्षण करना है. व्हाट डू यू सी, कि हमें क्या दिखाई देता है. फ्रॉम विच बार डू द पिन स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, यानी किस पट्टी की जो ये पिन्स है वो जल्दी गिरती है, वो आपको देखना है. व्हाई, और उसका रीजन देखिए बच्चों. पिन्स फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर. तो यहाँ पे क्या होता है, ये बर्नर की जो यह पे आपको हीट दिख रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसके सिरे वाले भाग से नीचे जो ये सिरा वाला भाग, यानी फर्स्ट जो हीट ट्रांसफर है वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हो जाएगा, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट उसका क्या, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. तो यहाँ के पिन्स क्या करेंगे, गिरने लगेंगे. और उसके बाद क्या होगा कि दैट इज This transfer of heat from the hot part of an object to the cold part is called conduction of heat. So, बच्चों देखिएगा कि यहाँ पे हमें ये इसका अर्थ है कि ऊष्मा पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होता है और पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन. सो अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन और वट इज कंडक्शन ऑफ हीट, सो यू नीड टू राइट डाउन द आंसर लाइक Transfer of heat from the hot part of an object to the cold part
इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट, यानी गर्म सिरे ठंडे सिरे से, गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जो हीट है वो जो जाती है, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस. फर्स्ट यहाँ पे ये पिन्स गिरेंगे, फिर ये पिन्स, फिर लास्ट में ये लास्ट वाले पिन्स गिरेंगे. दैट इज वाई क्यू कि जो हीट है वो धीमे धीमे ठंडी जगह की ओर बढ़ेगी, राइट. सो इसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है. देखो बच्चा अभी यहाँ पे क्या बोला है कि द पिन्स ऑन द कॉपर वायर स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, कि सबसे पहले तांबे की पट्टी पर लगी जो पिन है वो गिरने शुरू हो जाएगी तांबे की पट्टी के ऊपर. द पिन्स ऑन द स्टील बार फॉल कंपैरेटिवली लेट, और जो स्टील का है, ठीक है, तो उसकी जो पिन्स वहां पे लगाए गए हैं वो थोड़ा धीमे से गिर जाएगी. एंड देन हीट इज कंडक्टेड क्विकली थ्रू कॉपर, कॉपर में जल्दी से हीट पकड़ जाती है, इसलिए क्या होगा कि जो कॉपर की पट्टी है, ठीक है, तांबे से ऊष्मा तीव्रता से प्रवाहित होती है. सो कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जो हीट है जो ऊष्मा का पदार्थ से प्रवाहित होना उस पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है. दैट कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस, और ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थ से होता है. शोज दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, अर्थात ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है. सो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द इमेज नंबर 9.3. दिस इज अबाउट द कन्वेक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन हमने देखा, यानी कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, उसको हम कहेंगे कंडक्शन ऑफ हीट. सो लाइक दैट हम यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रयोग देखेंगे और इससे पता चलेगा कि कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या होता है. सो देखिए बच्चों यहाँ पे कन्वेक्शन कैन ऑक्यर इन लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस, कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम. कि कन्वेक्शन क्या है, यह द्रव एवं गैसीय पदार्थों में जो पास होता है और उसके ट्रांसफर के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है. लेट्स सी हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू अ लिक्विड, कि द्रव पदार्थ में हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो देखेंगे. सो इसके लिए पाठ सामग्री है अ बीकर, पोटेशियम मैग्नेट क्रिस्टल्स, अ बर्नर, वाटर एटसेट्रा. बीकर लेना है, बीकर यानी कि ये जो आपको यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है लाइक, एंड उसके बाद आप सॉरी ये बीकर है यानी कि दिस इज अ साइंटिफिक पॉट जो आपके लाइब्रेरी में आपको दिखेगा, इट्स कॉल्ड बीकर. एंड देन पोटेशियम मैग्नेट जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस क्लास में. एंड यहाँ पे ये बर्नर है, ठीक है, और इसमें हमने पानी डाला है. सो प्रोसीजर अब देखेंगे हम, टेक सम वाटर इन अ बीकर. देखिए इस बीकर में हमने थोड़ा पानी लिया, हीट द बीकर स्लोली ऑन अ गैस बर्नर, गैस बर्नर ऑन कर देना है और पानी को धीमे आंच से आपको गरम करना है. ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट के जो जो क्रिस्टल्स है, ठीक है, वो आपको पानी में डालने हैं. नाउ वॉच द वॉटर इन द बीकर केयरफुली, व्हाट डू यू सी, अभी आपको क्या दिखेगा वो आपको देखना है. सो देखते हैं क्या दिखने वाला है हमें बच्चों. दैट इज यू विल सी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड्स एंड कमिंग बैक टू द वाटर. तो देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ यहाँ पे अंदर कुछ अलग कुछ ये नहीं है, दिस इज शोइंग हाउ द हीट इज गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, यानी कि जो हीट है वो ऊपर भी जा रही है और वापस नीचे आ रही है लाइक दिस. सो ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट दिस मैजेंटा कलर्ड स्ट्रीम कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली. अभी ये मैजेंटा कलर जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का है, वो हमें इजिली दिख जाता है. व्हेन हीटिंग बिगिंस द वाटर नियर द बॉटम बिकम्स वार्म एंड इट्स डेस्टिनी डिक्रीजेस. तो देखिए बच्चों कि पानी को गर्म होने के बाद वो बीकर में जो नीचे तल का पानी है वो गर्म होता है और इसका परिणाम होता है कि उसका जो डेंसिटी मीन्स उसका जो घनत्व है वो कम होने के कारण वो ऊपर के भाग की ओर जाता है और उसकी जगह ऊपर का ठंडा पानी लेता है. सो एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या दिखेगा, इट मूव्स अपवर्ड्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम अबव. दैट इज कि जो कोल्ड वाटर है, ठीक है,
कि वो ऊपर जाता है, ऊपर के भाग की ओर जाता है और उसकी जगह ठंडा पानी को लेके आता है. सो इन दिस मैनर हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ करंट कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट. सो इस प्रकार ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो धाराओं द्वारा होता है. इस क्रिया को ऊष्मा का संवहन कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं. धारा इट मीन्स वॉट दी, ये जो पानी है ठीक है, पानी की बूंदी ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है. दैट इज नीचे गर्म पानी है तो ऊपर ठंडा रहेगा लाइक, क्योंकि ऊपर का पानी जल्दी तो गर्म नहीं होगा. तो पोटेशियम परमैंगनेट का असर क्या होता है कि ये जो पानी की वेव्स है ठीक है, ये ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडा पानी लेके वापस नीचे आ रही है. तो इसको कहेंगे हम कन्वेक्शन ऑफ हीट. आई होप कि आपको ये समझ में आया है. अभी देखेंगे हम द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, दैट इज द इमेज नंबर 9.4, द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन, कि घनता एवं संवहन में क्या रिलेशन है. सो यहाँ पे कुछ आपको इमेज दिख रहा है. आई विल टेल यू व्हाट इज द सामग्री अपार्टस ऑफ इट. टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको ठीक है. दिस इज द टेस्ट ट्यूब एंड अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा लेना है, वायर गॉज, अ बर्नर, अ कैंडल ठीक है. सो देखेंगे अभी कैसे करना है. प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ. दैट इज टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. अभी ये टेस्ट ट्यूब जो है इसमें आपको पानी लेना है. रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन द टेस्ट ट्यूब. देखिएगा स्टील की जाली में बर्फ का टुकड़ा लपेट कर उसको आपको इधर पानी में डालना है. इट विल सिंक इन टू द बॉटम. अभी ये सिंक यानी कि डूब जाएगा, बॉटम में चला जाएगा. Now, अभी देखिए, using a test tube holder, hold the test tube at a slant, यानी कि आकृति में दिखाए गए तरीके से चिमटे से परख नली पकड़कर उसे तिरछा करके आपको क्या करना है कि उसके ऊपरी भाग को बर्नर द्वारा आपको हिट करना है ठीक है. लाइक दिस आपको पकड़ना है और इसको क्या करना है, ऊपरी भाग को आपको हिट करना है. And heat the upper part of the test tube. Stop heating when the water starts boiling. और जब पानी उबलने लगेगा आपको हीट बंद करना है. Stop heating when the water starts boiling. Observe the piece of ice at the bottom. और अभी नीचे जो बॉटम में बर्फ का टुकड़ा है ठीक है, स्टील केस में जो आपने जाली में उसको पैक करके डाला है, अभी उसको क्या होगा वो हमें देखना है. Observe the piece of ice at the bottom. The heat does not reach the bottom even though the upper part is heated. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि गर्म यहाँ पे पानी उबल रहा है लेकिन नीचे पानी गया है क्या, नहीं गया है. अगर पानी जब उबलता है तो हमें सबको पता है कि बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा एज इट इज है. एंड ये क्यों, कि हाउ डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग. बच्चों ध्यान में रखो, ऊष्मा के कारण पानी का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना. Therefore, इसी वजह से इट cannot sink and the process of convection does not occur. इसी के वजह से क्या होता है कि वह नीचे नहीं जा सकता ठीक है, गर्म पानी नीचे नहीं जा रहा है और इसलिए ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है ये यहाँ पे नहीं हो रही है. This is the relation between density and convection. Okay, I hope कि आपको ये समझ में आया है. So बच्चों चलिएगा, मैं आपको और एक यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, दैट इज उसका नाम है रेडिएशन. रेडिएशन यानी विकिरण. So I'll tell you what is this. इसके लिए क्या बोला है, light a candle and stand it upright. एक candle को जलाओ ठीक है, और एक मोमबत्ती जलाकर खड़ी कर रखो और उसके दोनों ओर कुछ दूरी पर हाथों के पंजे इस तरह से आपको रखने हैं. यू नीड टू स्टैंड थोड़ा दूरी पर खड़े रहो और जस्ट शो योर arms like this to the heat. So hold your hands on its two sides at some distance from the candle. Bring them closer. थोड़ा नजदीक लेके जाओ. What do you feel? आपको क्या दिखाई दे आपको क्या महसूस होगा? Have you warmed yourself near a bonfire or in the morning sun in winter? तो चलिए बच्चों कि अगर मोमबत्ती के पास अगर आप हाथ रखते हो तो आपको yes of course heat वहाँ पे महसूस होता है, आपके हाथ गर्म ही हो गए. तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आपने कभी bonfire, ये जो लकड़ी को जला के bonfire करते हैं ना winter season में, तो वैसे कभी आपने इसी आग पर अपने हाथ सेके हैं क्या? एंड द सन इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. हम सभी को पता है कि जो सूरज है वो हमसे लाखों किलोमीटर की दूरी पर है. देयर इज नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इज ओनली अ थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ. यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के भाग में हवा भी नहीं है, हवा की परत केवल पृथ्वी के समीप ही है. फिर यह ऊष्मा हम तक कैसे आती है, तो सन की हीट हम तक कैसे आती है बच्चों? Then how does the heat of the sun reach us? This heat is transferred in the absence of any medium. That is, कि ये किसी भी माध्यम के न होने पर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ. The transfer of heat that takes place in this way without a medium. देखिए बच्चों, इस प्रकार किसी भी माध्यम की
न होने पर भी जब उष्मा यानी कि हीट ट्रांसफर होता है सो इज कॉल्ड रेडिएशन, इसे कहते हैं रेडिएशन। इन द टू एग्जांपल्स सबो हीट रीचेस इज मेनली बाय रेडिएशन। देखिए अगर आप मोमबत्ती के पास भी खड़े रहो या फिर बॉनफायर के पास भी खड़े रहो तो हमारे पास जो हीट आती है वो कैसे आती है, रेडिएशन के मार्फत आती है। सो इसे हम कहेंगे रेडिएशन प्रोसेस। आई होप कि आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है तीनों भी आपको समझ में आया है, दैट इज व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफर जिस तरह से हीट ट्रांसफर होती है। देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन आया है, वंडर ऑफ साइंस की, विज्ञान का चमत्कार। रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेनी ऑब्जेक्ट्स इन नेचर सच एज ट्रीज, माउंटेन्स, स्टोन्स एंड रोड्स। की प्रकृति में, नेचर में जो वृक्ष है, जो पहाड़ है, पत्थर है, रास्ते है, इन जैसे अनेक वस्तुओं द्वारा हीट का जो रेडिएशन है वो होता है। कैमरा हैज बीन डेवलप्ड व्हिच यूज दिस रेडिएशन टू मेक आवर सराउंडिंग्स विजिबल एट नाइट। देखिए बच्चों कि ये रेडिएशन जो का प्रोसेस है इसका उपयोग नाइट के समय जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है उसको हम देख सके, इसलिए कैमरे में वो प्रोसेस डेवलप किया गया है। इट इज कॉल्ड एन इंफ्रारेड कैमरा, इसे कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। यूजिंग दिस कैमरा इट इज पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। और इसी कैमरे की वजह से हम रात के समय हमारे जो दुश्मन है उन पर नजर रख सकते हैं। सो ये जो है टेक्निक ये बॉर्डर पे यूज किया जाता है। When heat rays falls on an object, बच्चों देखिएगा उष्मा का विकिरण होते समय ये विकिरण जब किसी वस्तु पर पड़ता है, part of the heat is absorbed by the object and a part of it is reflected। तब उष्मा का कुछ भाग वस्तु द्वारा absorb करना यानी उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जबकि कुछ भाग क्या होता है, reflect यानी परावर्तित किया जाता है। The ability of a substance to absorb heat radiation depends on its color and also its इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों किसी पदार्थ की विकिरण अवशोषित करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है कि वो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सके, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि उस पदार्थ का कलर कौन सा है और उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज यानी कि उसके अंतर्निहित गुणधर्म कैसे हैं, इन चीजों पर। लेट्स ट्राई दिस, चलो और एक हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसके लिए सामग्री क्या लेंगे, टू एल्यूमिनियम टिन्स ऑफ द सेम साइज, टू स्मॉल ग्लासेस, वाटर थर्मोमीटर, ब्लैक पेंट एटसेट्रा। यानी कि देखिए समान आकार के एल्यूमिनियम के दो डिब्बे लेंगे हम, कांच के एक समान दो गिलास, पानी और एक तापमापी ले लेंगे, उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं, और काला रंग ब्लैक पेंट हमें लगेगा। सो इसका प्रोसीजर क्या है बच्चों, पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ वन टिन विथ ब्लैक पेंट। तो आपको एल्यूमिनियम के आपने दो टिन लिए, डब्बे लिए, एक डिब्बे को आपको क्या करना है, बाहर से काला कलर रंग लगाना है एंड लेट इट ड्राई, उसको सूखने दो। देन इन बोथ टिन्स प्लेस वन ग्लास, अभी एक रहेगा पूरा एल्यूमिनियम का और एक पर आपने काला कलर लगा दिया, ठीक है। सो दोनों भी डब्बों में आपको क्या करना है, प्लेस वन ग्लास, उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक गिलास रखो, ईच फिल्ड विथ वॉटर, उसमें पानी डालो एट द सेम टेम्परेचर, कवर द टिन्स विथ लीड्स, ठीक है, यानी दोनों डिब्बे में समान तापमान वाला एक एक गिलास पानी भरकर रखो, उसको ढक्कन लगा दो, कीप देम इन द सन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए सूरज की गर्मी में उन्हें रख दो। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इन द ग्लासेस इन द टू टिन्स। अभी आपको दोनों भी यानी कि जो एल्यूमिनियम का डब्बा के ऊपर आपने काला कलर लगाया है उसमें का पानी, और जो सिर्फ एल्यूमिनियम का है उसमें का पानी, दोनों का टेम्परेचर आपको मापना है। व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तब आपको वहां पर जो टेम्परेचर है दोनों भी डब्बों में का, जो ग्लास में का पानी है उसका टेम्परेचर अलग अलग दिखेगा, ऐसा क्यों होता है, चलो इसका भी हम जवाब ढूंढेंगे। दैट इज गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि जो जिसमें हीट कंडक्ट होती है और जिसमें अच्छे से होती है और जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, लाइक प्लेस अ स्टील स्पून, अ कॉपर स्ट्रिप और रॉड, अ डिवाइडर फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, अ पेंसिल एंड अ प्लास्टिक रूलर इन अ ग्लास बीकर, पोर हॉट वाटर हीटेड अप टू 60-70 degrees Celsius इनटू द बीकर एंड वेट फॉर अ व्हाइल। सो लेट मी टेल यू वन बाय वन, दैट इज कांच के एक बीकर में स्टील का चम्मच, स्टील स्पून और कॉपर स्ट्रिप और रॉड, तांबे की पट्टी या छड़,
उसके बाद डिवाइडर फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, आपके कंपास बॉक्स में जो डिवाइडर होता है उसको लेना है, देन अ पेंसिल लेनी है, एंड प्लास्टिक की आपकी जो पट्टी रहती है रूलर, उसको आपको क्या करना है, उस ग्लास बिकर में डालना है पोर हॉट वाटर, उसमें आपको 60-70 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म पानी उसमें डालना है, थोड़ी देर के लिए रुको, देन टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जितने भी आपने ऑब्जेक्ट उसमें ग्लास बिकर में डाले हैं, ग्लास बिकर में, उसमें के जो एंड पॉइंट्स है वो आपको चेक करने हैं, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल बिलो, यहाँ पे इस तरह का टेबल है, आपको ये होमवर्क रहेगा, हाउ हॉट इज द आउटर एंड, आउटर एंड यानी कि सबसे ऊपर का सिरा, वेरी हॉट यानी ज्यादा गर्म, हॉट यानी गर्म, वार्म यानी ठंडा, एज कूल एज है वैसा ही, सो ये जो चीजें है इनका ऊपर का सिरा कैसा है ये आपको चेक करना है और आपको ये टेबल फिलअप करना है, ठीक है। सो वॉट इन्फ्रेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, सो इससे हमें क्या समझ में आता है, सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट व्हाइल सम आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इज इजीली कंडक्टेड थ्रू कॉपर स्ट्रिप और पॉट बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड। बच्चों देखिएगा नतीजा ये समझ में आता है कि तांबे की पट्टी या बर्तन से जो हीट है वो सहजता से प्रवाहित होती है, लेकिन प्लास्टिक लकड़ी इनमें से हीट ट्रांसफर प्रवाहित नहीं होती है। सो वी कैन होल्ड अ ग्लास टम्बलर और चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी इजिली इन आवर हैंड बट नॉट सो स्टील और कॉपर कप विद द सेम टी इज पोर्ड इनटू देम। देखो अगर गर्म चाय को कांच के गिलास में या मिट्टी के कुल्लड़ में लिया तो उसे हम हाथ में सहजता से पकड़ ले सकते हैं, लेकिन वही गर्म चाय अगर स्टील के गिलास या फिर तांबे के बर्तन में ले आए तो हम उसको इजीली टच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ को फिर वो हीट महसूस होती है, राइट। सो यूज योर ब्रेन पावर, चलो दिमाग की बत्ती जलाओ बच्चों। व्हाई डू वी यूज व्हाइट क्लॉथ्स इन समर एंड डार्क और ब्लैक क्लॉथ्स इन विंटर, कि हम देखिएगा अभी समर सीजन यानी कि गर्मी के सीजन में हम व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं एंड ठंडी के मौसम में हम डार्क या फिर काले कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। सो चलिए देखते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट, उष्मा के कारण ठोस पदार्थ में प्रसरण और संकुचन हम देखेंगे। सो दिस इज द इमेज नंबर 9.6 जो आपके टेक्स्ट बुक में आया है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, सो बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। सो लेट्स चेक व्हाट आर द पार्ट्स राइट, इसमें सामग्री लेनी है, मेटल रिंग, ये मेटल का रिंग है, मेटल बॉल एंड बर्नर, ठीक है। सो एक्टिविटी में करेंगे हम, टेक अ मेटल रिंग एंड मेटल बॉल ऑफ सच साइज दैट द बॉल जस्ट पासेस थ्रू द रिंग, यानी कि एक रिंग लेनी है और उसके थोड़ा सा छोटा बॉल लेना है जो इजिली इससे पास हो सके, हीट द बॉल एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग, अभी ये इस तरह से रखना है, ठीक है, और नीचे से आप अगर हीट करोगे, ठीक है। सो बिफोर हीटिंग ये इस तरह से इजिली नीचे रहेगा, आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाने के लिए फिर इजिली वो ऊपर नहीं जाएगा, अटक जाएगा, ठीक है। सो बच्चो नाउ लेट द बॉल कूल डाउन एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग, अभी ठंडा होने के बाद ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा कि नहीं ये आपको देखना है। द अबव एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट मेटल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, बच्चों इससे हमें ये समझ में आता है कि धातु को ऊष्मा देने पर वो क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, प्रसरण होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो अब एज इट इज अपने मोड पर आ जाता है, उसका जो साइज है उसके ऊपर। सो सॉलिड एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज रिमूव्ड, गर्मी की वजह से क्या होता है, जो सॉलिड कंटेंट है कोई भी धातु है वो क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है, बड़ा होने लगता है, और जैसा ही ठंडा हो जाता है एज इट इज अपने ओरिजिनल मोड पर आ जाता है। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड इज डिफरेंट, लेकिन कैसा होता है कि अलग अलग जो धातु है, सो अलग अलग धातु में अलग अलग उसके जो एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो अलग अलग उसके परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे भी अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ, यूज योर ब्रेन पावर एंड लेट्स चेक द 9.7 इमेज दैट इज अबाउट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिक्विड, सॉलिड का देख लिया अभी, लिक्विड का द्रव पदार्थ में होने वाला जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपांशन यानी प्रसरण, कॉन्ट्रेक्शन यानी आकुंचन। So why is there a gap at the joints of rails and of cement concrete bridges? So बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है कि रेल की पटरी आपने देखी होगी, ठीक है, सो कॉन्क्रीट के पुले के पुल के जोड़ो यानी संधियों में खाली जगह क्यों रखी जाती है, इसके पीछे क्या रीजन रहेगा, सो ये आपको ढूंढ के निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू हीट, कि इसमें हमें लेना है 500 ml कॉनिकल फ्लास्क,
to hold rubber stoppers, glass tube, measuring ruler, thermometer, stand, wire gauze, burner, graph paper, etc. यानी कि 500 मिली धारिता का शंक्वाकार पात्र, यानी कि इसे कहेंगे कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि इसका एक इस तरह से आकार होता है। टू होल्ड रबर स्टॉप्स, ठीक है, टू होल्ड रबर स्टॉप्स लेने हैं, दो छिद्र वाला रबड़ का डार्ट लेना है हमें। देन ग्लास ट्यूब लेनी है, ये कांच की नली लेनी है। मेजरिंग रूलर लेनी है, रूलर यहाँ पे रख दीजिए। थर्मोमीटर लेना है, स्टैंड लेना है, ठीक है, एंड वायर वॉज है, बर्नर है, ग्राफ पेपर भी लेना है। सो चलिए अगर प्रोसीजर में देखेंगे, फिल द कॉनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली विद वाटर, इसमें पूरा का पूरा पानी कर दो। इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड द थर्मोमीटर इन द टू होल्स ऑफ द स्टॉपर एंड फिट इट टू द कॉनिकल फ्लास्क। इसमें एक तरफ क्या रखना है, थर्मोमीटर, और एक तरफ आपको क्या करना है, ग्लास ट्यूब रखना है। और यहाँ पे हम रबर के जो दो हमने स्टॉपर लिए है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लगा देना है। एंड हीट द वॉटर एंड विद द हेल्प ऑफ द रूलर रिकॉर्ड द वॉटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 degrees Celsius राइज इन टेम्परेचर। देखिएगा कि हर जब यहाँ से नीचे से बर्नर से हीट स्टार्ट किया जाएगा, तो इस फ्लास्क में जो एक जगह पे हमने थर्मोमीटर रखा है और एक तरफ हमने ग्लास ट्यूब रखा है, तो ग्लास ट्यूब 2 degrees Celsius जब तप जाती है, तब उसमें क्या चेंजेस है, टेम्परेचर कितना दिखाई देता है, वो हमें चेक करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन हीटिंग इज स्टॉप, और जब ग्लास आप वो हीट देना बंद करोगे तब वो टेम्परेचर क्या आएगा, वो हमें देखना है। ड्रॉ ग्राफ टू शो द चेंज इन वाटर लेवल एज द टेम्परेचर राइजेस। इस तरह से आपको एक अच्छा सा ग्राफ वहां पर रेडी करवा लेना है। सो बच्चे देखिएगा, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द डिस्टेंसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स इंक्रीज एंड इट्स वॉल्यूम टू इंक्रीजेस। बच्चों उष्मा दी जाने पर, द्रव को ऊष्मा दी जाने पर, द्रव के जो कण रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाती है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो इसे कहते हैं द्रव का प्रसरण होना, यानी कि पानी अगर आप एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे अगर ज्यादा टाइम रखोगे तो उसमें से बुलबुले आने स्टार्ट हो जाएंगे, बाद में वो एकदम हीट पे ही रखा है तो फिर उसमें आपको बाफ निकलती हुई दिख जाएगी। सो व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट, और जब आप वो गैस बंद कर दोगे, ठीक है, या फिर आप उसको हीट देना बंद करोगे, ठंडा कर दोगे, तो एज इट इज आपको पानी वहां पे दिखेगा। सो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। अभी पहले हमने देखा सॉलिड का, फिर देखा हमने लिक्विड का, अभी हम देखेंगे गैसेस का, ठीक है, कि उष्मा के कारण जो गैसेस है गैसीय पदार्थ में, उसमें किस तरह से एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इज मर्क्यूरी और अल्कोहल यूज्ड इन थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर में तापमापी में पारे अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है, बिकॉज दे आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ धातु है वो, और उसके ऊपर हीट का जो प्रभाव है वो अलग तरीके से होता है, दैट इज वाई। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सामग्री क्या बोली है, ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर, कि आपको क्या करना है, कांच की बोतल लेनी है, गुब्बारा लेना है, गर्म पानी, सॉरी ग्लास बॉटल है, माय मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन, ग्लास बॉटल यानी कि कांच की बोतल, बलून, हॉट वाटर। प्रोसीजर में करेंगे, फिक्स द बलून ऑन द माउथ ऑफ ग्लास बॉटल, कांच की एक बोतल पर गुब्बारा लगा दो, होल्ड दिस बॉटल इन हॉट वाटर, इस बोतल को गर्म पानी में रखो। अभी देखो क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, कि हीट देने पर गैस का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ द गैस, इसे कहते हैं गैस का प्रसरण होना। ऑन द अदर हैंड ऑन रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी गुब्बारा अपने आप फूल जाएगा, क्योंकि वो हीट की वजह से जो बाफ निकलेगी उससे हवा भरेगी गुब्बारे में, लेकिन जब हम ठंडा करेंगे तो वापस से गुब्बारे में की हवा निकल जाएगी। सो इसे डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना, ये दो चीजें आप समझ लो। अभी देखो यहाँ पे बच्चों की थर्मास फ्लास्क, आपने तो देखा होगा, सुना होगा, इसे क्या कहते हैं, ड्यूअर फ्लास्क। You might have seen a thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot or a sherbet cold for a long time. So, चाय कॉफी दूध जैसे पदार्थ लंबे समय तक गर्म रखने के लिए, या फिर शरबत जो होता है ठंडा, उसको ठंडा रखने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है थर्मस, वो आपने देखा होगा। What is its structure and how does it function? इसका स्ट्रक्चर, इसकी रचना और कार्य पद्धति कैसी होती है? This is a double walled flask. ये दोहरी दीवार वाले फ्लास्क
होता है. इट्स कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास ट्यूब्स, वन इनसाइड द अदर विद द गैप बिटवीन देम सील्ड. देखिएगा, इनके भीतर एक नली को रखकर उसे सील बंद किया जाता है. एंड द सर्फेसेस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर मेड शाइनी बाय सिल्वर कोटिंग. और दोनों नलियों के जो पृष्ठभाग है, सरफेस, उसको चांदी की परत चढ़ाकर चमकीला बनाया जाता है. द एयर बिटवीन द टू ट्यूब्स, दोनों नलियों के बीच की जो हवा है, इज रिमूव टू क्रिएट अ वैक्यूम, उसको निकाल कर वहां पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. देयर इज अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब्स. और नलियों के बाहर धातु या प्लास्टिक का क्या होता है, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टिव जार होता है. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क, पीसेस ऑफ स्पॉन्ज और रबर आर फिक्स्ड बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क. इस पात्र और अंदर के फ्लास्क के बीच स्पंज या रबर के टुकड़े फ्लास्क के संरक्षण के लिए, फिर वो फ्लास्क खराब ना हो इसके लिए रखे जाते हैं. सो यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई देगा. ये है द ग्रेट साइंटिस्ट सर जेम्स डेवर्स, स्कॉटिश साइंटिस्ट. कि सर जेम्स डेवर्स स्कॉटिश वैज्ञानिक थे. ही मेड द फर्स्ट थर्मस फ्लास्क इन 1892 एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेवर फ्लास्क. देखिएगा, जो थर्मस फ्लास्क है इसको क्या कहा जाता है, डेवर फ्लास्क भी कहा जाता है. ऑन द नेम ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट बिकॉज ही मेड दैट थिंग. इवन टूडे डेवर फ्लास्क इज यूज फॉर कीपिंग अ सब्सटेंस कोल्ड और हॉट. देखिए, आज के जमाने में भी आपको दिखाई देगा बाहर जो चाय की टपरी होती है, ठीक है, वहां पे भी ये दिखाई देगा आपको कि थर्मस में चाय डाली होती है, उससे आपको चाय गरम गरम सर्व की जाती है. या फिर ठंडा पानी रखने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपको ग्लास की बोतल ली होगी थर्मस की, जो ठंडे पानी को ठंडा रखता है. फिर जो मीडियम पानी रहता है उसको मीडियम रखता है, गर्म पानी को गर्म रखता है. सो इसका जो निर्माण है किसने किया है, ड्यूअ फ्लास्क, सॉरी जेम्स ड्यूअर, सर जेम्स ड्यूअर, द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ही हैज इन्वेंटेड दिस वन. सो इसे थर्मस फ्लास्क को ड्यूअर फ्लास्क भी कहा जाता है. सो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज फंक्शन ऑफ द थर्मस फ्लास्क. देखिए, थर्मस फ्लास्क कुछ इस तरह से दिखाई देता है बच्चों. एंड व्हेन अ हॉट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ थर्मस फ्लास्क, द हीट गोइंग आउट गेट्स रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द शाइनिंग सर्फेस ऑफ द इनर ट्यूब. हॉट और कोल्ड लिक्विड अगर इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है, अंदर की तरफ एक लिक्विड, सॉरी अंदर की तरफ एक परत होती है इसकी, उसके बीच में ट्यूब होती है और बाहर की तरफ एक परत होती है, इसको रबर सपोर्ट होता है इनके बीच में. और यहाँ पर एक स्पॉन्ज दिखाई देता है, ठीक है. सो और कुछ स्प्रिंग्स रहती है. सो सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा. तो यहाँ पे क्या कहा है, जब किसी पदार्थ को फ्लास्क में रखा जाता है तो उसके अंदर की नली की चमक के कारण बाहर जाने वाली जो हीट है वो वापस से अंदर आ जाती है, और इसका क्या परिणाम क्या होता है, गर्म चीज गर्म रहती है. Hence, heat is not radiated. Heat radiate नहीं होती है. Neither conduction nor convection of the heat occurs because of the vacuum. देखिए, यहाँ पर ना conduction होगा, ना radiation होगा, ना convection होगा. As it is, heat जगह के जगह पे ही रहेगी. As a result, it is not transferred to the outer cooler region and it's retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conduction through the glass. लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो हीट है वो ऊपर के ढक्कन की ओर से और कांच में से छोटी मात्रा में ट्रांसफर हो जाती है और बाहर निकल जाती है. Therefore, इसी वजह से द हॉट सब्सटेंस डज नॉट रिमेन एज हॉट आफ्टर 2 or 3 hours. इसलिए 2-3 घंटे के बाद भी गर्म पदार्थ उतना गर्म नहीं रहता, उसका एक टाइम पीरियड रहता है 2 or 3 hours ओनली. अभी ये व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोवेयर, ये थर्मोवेयर क्या है ये आपको ढूंढ के निकालना है. आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया है. आई ट्राई टू टीच यू, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. एंड यस, ऑफ कोर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच. एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.